जय गुरुदेव दया के
नागर चित्रकूट तप कीनो भारी दर्शन देनाय तरा कामद गिरिजायो भगवंता दर्शन देनाय हनुमंता तिनके कृपा सीत गुय पाए दीन जनन के दुख न साए आश्रम जानकी कुंड बनाए संतन के सेवा मन लाए बिना अस्त्र पत पक्ष न मारे गावत यस चहुर तुम्हारे सत्य प्रति पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री सद्गुरुदेव की जय सब संतन की जय जय सीताराम। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने संकेत किया कि आज जो मंचस्थ है महापुरुष, ये महापुरुष भी इसी सदगुरु सेवा सद कृष्ण की ही एक स्वरूप है, कोई भी प्रकल्प के रूप में है जो हम लोग बदल रहे हैं। श्री पूज्यपाद विठलभाई महाराज जी ऋषिकेश से पधारे हुए डॉक्टर श्री रामेश्वर दास जी महाराज और रेवासा से पधारे हुए पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी, ये इसी आज इसमें हम लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में और पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम निवेदन करेंगे डॉक्टर विपिन जैन साहब से कि मध्यस्थ अतिथियों का पुष्पहार दुपट्टे से स्वागत, पूज्य महाराज महाराज जी का तिलक करके स्वागत करते हुए डॉक्टर विपिन जैन साहब महाराज जी स्वयं तिलक लगा करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सब लोग कर्तव्य गोली से ताली बजा कर स्वागत करें। हम निवेदन करेंगे चौहान साहब से और श्री पांडे जी से श्री देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब और पांडे जी से स्वागत करते हुए डॉक्टर विपिन जैन साहब श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का तिलक पुष्पहार दुपट्टे के द्वारा स्वागत करते हुए चौहान साहब एवं ऋषि भाई जी जो हमारे सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। एक स्वागत की परंपरा है और स्वागत में ये तो एक स्वरूप बनाया जाता है, स्वागत हृदय से होता है। आज आत्मीय स्वागत श्री सद्गुरु सेवा संघ कृष्ण उपस्थित सभी संतों का, पूज्य चरणों का, सम्मानित अतिथियों का जो स्वागत किया है, स्वागत की परंपरा का निर्वहन हो रहा है, एक अद्भुत स्वरूप। आगे इस कार्यक्रम को गति दे निवेदन करेंगे संगीत विभाग अध्यक्ष पूर्व श्री ललूराज शुक्ल से निवेदन करेंगे तो अपने गीत के माध्यम से कार्यक्रम का बहुत आचरण करें। वंदना के
पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी महाराज अपने स्वागति को उद्बोधन में श्री गुरु महिमा पर परिचर्चा उद्बोधन करेंगे डॉक्टर श्री रामेश्वर दास जी महाराज वंदे जगद्गुरु प्रतिपत जगत पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वर तारा नेत्र यज्ञ एवं श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट दोनों के संयोजन से आयोजित आज के इस पावन संत सम्मेलन कार्यक्रम भगवान श्री रघुवीर जी के इस प्रांगण में इस जगमोहन में गुरुदेव की गुरुमणि के सम्मुख आपके अध्यक्षता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय गोपीर संत सेवी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध सरलता के प्रतिमूर्ति सदगुरु परिवार के संरक्षण सदगुरु परिवार के सबसे अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिचरण दास जी महाराज हम गुरुदेव के इस सेवा प्रांगण में बैठ करके संत सम्मेलन कर रहे हैं। संत चित्रकूट में रह करके जो तपस्या आज से 50 वर्ष पहले हम लोगों को बताते थे, बड़ा ही आश्चर्य उत्सुकता होती थी संतों की रहनी सहनी करने पर। चित्रकूट तो वही है, हमारी दृष्टि हमारी नजरिया हमारा व्यवहार भले ही ऊपर नीचे हो सकता है परिवर्तनीय हो सकता है, चित्रकूट वही है। सोना विकूटम रजतरता विकूटम माणिक कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवान कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। वही है, उनमें परिवर्तन नहीं है। हमारी दृष्टि का असर हो सकता है, यहां स्वर्ण पर्वत है रजत पर्वत है माणिक मणि रत्नों के पर्वत है अनेक जो मणियों के रंग बिरंगे सारे पर्वत है। हमारी दृष्टि जो समझ में नहीं आता है दिखाई नहीं देता है कि स्वर्ण है रजत है कि माणिक्य है, तो चित्रकूट में कोई परिवर्तन नहीं। और इस चित्रकूट की महिमा जितनी कही जाए स्वल्प है थोड़ी है। इस चित्रकूट की तपस्या के बारे में इस स्थल के सिद्धि सिद्ध स्थल के बारे में जितना कुछ कहा जाए कि यहाँ आकर के जो भजन पूजन नियम अनुष्ठान किया जाता है वो वर्णन थोड़ा ही है। लेकिन जब कभी संत एकत्रित होते हैं और आज नहीं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का वर्णन होता है तो आपने कभी कल्पना की है 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर क्या करते होंगे? संपूर्ण समाज का सामाजिक पारिवारिक राजनैतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक संपूर्ण अंगों पर चिंतन उनका होता है। संत का काम है भजन करना, सामान्य भाषा में भजन करना, तपस्या करना, भगवान की साधना आराधना करना।
लेकिन संत के उन्हीं साधनाओं से, आराधनाओं से, अनुष्ठानों से भगवत प्रेरणा होती है, और उस भगवत प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से संत अपने उस साधनामय जीवन से परोपकार भी करते हैं। लेकिन संत अपने भजन से भी अगर जाते हैं तो उस संत का पवित्र होता है, परोपकार का होता है, परोपकारी उनका चरित्र होता है। इतना ही कहा करके वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री डॉक्टर। निवेदन करेंगे हम डॉक्टर बीके जैन साहब से, आज के सभा की मुख्य अतिथि श्री जगदगुरु जी महाराज रमणदासाचार्य महाराज का स्वागत करते हुए, एवं श्री चित्रकूट के वरिष्ठ संत पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज सरकार के ब्रह्मचारी जी महाराज का भी माल्यार्पण करते हुए द्वारा स्वागत करेंगे डॉक्टर बीके जैन साहब। सभी लोग अपना ध्वनि से स्वागत करें। स्वागत की परंपरा हमारे यहाँ जो नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी पूज्य गुरुदेव के उन आत्मीय संस्मरणों का स्मरण किया और याद दिलाया। हम स्वागतम 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 श्रीमतां वंदनम वंदनम माइक में आए और आपके आपका परिचय हमें कराने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु सेवा कृष्ण के लिए तो आप स्वयं एक परिचय के स्वरूप में हैं, यहाँ पर रहे और यहाँ से शिक्षा दीक्षा से ग्रहण किया। पूज्य श्री रघुवचार्य महाराज जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट तारा नेत्रदान यज्ञ के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्ण जयंती के इस पुनीत अवसर पर समायोजित संत सम्मेलन में समारोह की अध्यक्षता कर रहे सद्गुरु परिवार के संरक्षक परम वीतरागी तपस्वी श्रद्धेय श्रीचरण कामल पीठाधीश्वर आचार्य चरण श्री, मेरे बड़े गुरु भ्राता डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज, श्री सुखराम दास जी महाराज, प्रफन्नाचार्य जी महाराज, प्रभंजन जी महाराज, चित्रकूट की पावन धरती पर तपापूज संत मंडली और महंतगण के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हुआ सभी संभ्रांत बंधुओं माताओं बहनों को सद्गुरु परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं समर्पित कर रहा हूँ। हम सब लोग जिस काल में इस धरती पर आए थे, मैं भी 1969 में इस आश्रम में आया था। यहाँ की पाठशाला कि भक्ति का काम पूरा हो गया था। मैं बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मेरी भक्ति नहीं ली गई। संख्या पूरी हो गई, व्यवस्था भी सीमित थी। यहाँ झोपड़ी में हमारा भोजन बनता था, यहाँ गुरुदेव की गुफा थी। खपटिया में जाकर बाबूराम भैया से मैं चिट्ठी लिखाया, तब मेरी भक्ति यहाँ पर श्री राम संस्कृत पाठशाला के माध्यम से अध्ययन करके मेरे पूज्य गुरुदेव ने काशी में अध्ययन कराने का सुअवसर दिया और यहाँ से निकल करके रेवासा पीठ तक की यात्रा करने का, वहाँ की झाड़ू बहाड़ू लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
निश्चित रूप से ज्ञान शून्य व्यक्ति को भी इस धरा की मिट्टी ने किस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है इसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता। महाभारत में चर्चा है, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा दिशा क्या है। उस समय युधिष्ठिर ने कहा था संतो दिक्, दिशा अगर है तो संत ही है। इस संसार को अगर दिशा देने वाला कोई है, संता दिशंति चक्षुंषि, संत ही दृष्टि दे सकता है। और संत कैसा है? जो खट विकारों से रहित है, काम क्रोध मद मोह लिप्सा से विगत है, ऐसा संत ही संसार में दिशा दे सकता है। हम लोग इस मंच में आए हैं, ये धरती ऐसी धरती है कि यहां भजन करने वाले लोग चाहे उनको रूखा सूखा मिले, किंतु उनको इतना प्रेम है कि अगर चित्रकूट की धरती पर राम राम करने को मिले तो हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है। इसलिए उस काल में पूज्य गुरुदेव ने यहां के संतों की पीड़ा को समझा, और जो संत ने कभी याचना नहीं की, पूज्य गुरुदेव के जो सदगुरुदेव थे पहारी जी महाराज, उनके बारे में नाभा जी महाराज ने लिखा है, जय कर धरो तेहि तर कर न करो। पहारी जी महाराज ने जिसके सर में हाथ रख दिया उसके सामने कभी हाथ फैलाया, उसी श्रेष्ठ परंपरा के पूज्य गुरुदेव। किंतु जब देखा कि चित्रकूट की धरा पर संत भूखे रह करके भी तप करना चाहते हैं, तो सेवा का प्रकल्प प्रारंभ करने के लिए खपटिया कपरेदा सरैया की यात्रा की। खपटिया वाले मुझे उस कुआं का दर्शन करवाए जिस कुआं में एक बूंद पानी नहीं था। गुरुदेव वहां का मंडल लेकर सर्वप्रथम बैठे और बोले, भाई पानी लाओ। बोले, महाराज से पानी तो है नहीं, चलो मेरे कमांडर को इसके भीतर ले जाओ। कमांडर को भीतर ले गए तो गंदला पानी निकला, तो बोले इस पानी को इसमें डाल दो। और दोबारा जब कमांडर लगा गया तब तक तो उसमें कुएं में 10 फुट जल चल करके तैयार हो चुका था। गुरुदेव को लोग भगवान के रूप में जानते, गुजरात में क्या गुरुदेव भगवान गुरुदेव को भगवान ही कहते हैं। और वास्तव में वो चलती फिरती परमात्मा की प्रतिमा थे। जिन लोगों ने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है, पपरेदा में गए, महाराज भिक्षा तो देंगे किंतु मेरी श्वास ठीक करो। एक खुराक में श्वास ठीक कर दिया, गेहूं की बोरियां लग गई। पूज्य गुरुदेव के जीवंत उदाहरण सरैया के आनंदी भैया है, जिंदा है कि नहीं शायद होंगे, नेत्र शिविर में वो भट्टी के नीचे गिर गए। सारे लोगों ने कहा अब तो ये समाप्त हो गए, किंतु जैसे प्रहलाद को अग्नि से फूल जैसे निकाला था भगवान ने, उसी तरह आनंदी भाई को भी अनेक चमत्कारों से भरा पूरा। इसलिए ऐसे समर्थ गुरु परंपरा में दीक्षित होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चाहे हम भरे कोयले कोयले के क्यों न बने हों, गुरुदेव की कृपा से ठाकुर जी के चरणों तक जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं सब के साथ आप सबके हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हुआ पाने को ध्यान देता हूँ। जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरु भगवान की। उपस्थित है निवेदन करेंगे।
कुछ बात संतोषी खाने के श्री महाराज जी श्री रामदास जी महाराज जी से सतगुरु वैद्य वचन विश्वास सतगुरु के वचनों में विश्वास सतगुरु हमारा बहुत कुछ लेता है हमारा विश्वास लेता है और हमें देता क्या है हमें प्रसाद देता है हमारा विश्वास विश्वास लेता है हमें प्रसाद देता है हमें ज्ञान देता है और हमें विश्वास में दृढ़ता देता है हमें दृष्टि देता है और सतगुरु के कई अंग होते हैं सतगुरु के कई भाव होते हैं सतगुरु हमें अंदर से भी ठीक करता है और बाहर से भी ठीक करता है बाहर से ठीक करने का प्रकल्प सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में जो चल रहा है चिकित्सालय के रूप में और अंदर से ठीक करने के लिए अभी हमारे पूज्य पर रहवासा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी ने हमें गुरु सामर्थ्यवान हो बाहर का भी रोग होता है और अंदर का भी रोग होता है कई बार सामान्य दृष्टि से हम संसार को देखते हैं परंतु सदगुरु की दृष्टि मिलती है तो हम संसार को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा जब रणस्थल में था शिष्यते अहम् तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सदा दिव्य चक्षुते उन्हें दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अर्जुन ने जिनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता था उनके साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ कई बार हमारे अंतःकरण में अनेक रोगों का आक्रमण होता है और उन रोगों से हम जब विजय नहीं प्राप्त कर पाते तो सामर्थ्यवान गुरु हमें दृष्टि देता है दिशा देता है और पूज गुरुदेव जी की जो सेवा है हमारे चित्रकूट में गौ सेवा विद्यार्थी सेवा और अनाथ सेवा संत सेवा यहाँ की अद्भुत सेवा जिसे देख करके आज हृदय गदगद होता है गुरु का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वह जमीन से आकाश की ऊंचाइयां छूता है आज उसी का आशीर्वाद हमारे सद्गुरु सेवा संकृष्ट में सद्गुरु देव जी का आशीर्वाद प्राप्त है इनकी अनेक सेवाएं उत्तरोत्तर गुरु के आशीर्वाद से बढ़ रही हैं मैं हृदय से कामना करता हूँ सद्गुरु देव जी का यह आशीर्वाद सदैव इस ट्रस्ट के लिए बना रहे इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम जी का मार्गदर्शन प्रार्थना स्वामी रामतीर्थ बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी मैं आज एक स्मरण आपको बताऊं 77 में हमारे बड़े गुरु भाई वैष्णोदास जी पूज्य महाराज जी के सब सेवा में रहा करते थे तब इतना हमें ज्ञान नहीं था कि सत्य क्या है उस समय नई बटालियन भर्ती हुई थी तो मैं बड़े गुरु भाई से मिलने के लिए यहाँ आया उस समय महाराज जी सेवा में थे तो उनके द्वारा मुझे सतगुरुदेव के चरणों में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ वो दिन और आज हम अपने द्वाराचार्य श्री पूज्य राघवाचार्य जी के द्वारा जो बात सुन रहे थे वो सुन करके हृदय में प्रफुल्लित हो रहा था कि वो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य रहा होगा कि मैं पूज्य सतगुरुदेव के चरणों में पहुंच पाया और जितना भी उनके बारे में कहा जाए मेरे पास वाणी नहीं है कि वो वाणी के द्वारा
उनके गुणों का वर्णन कर सकूं, लेकिन वही आज स्वरूप मैं पूज्य सतगुरुदेव को दूसरे रूप में, जो इस सतगुरु संस्था के संरक्षक पूज्यपाद श्री स्वामी हरचरण दास जी महाराज के रूप में मैं उनको देखता हूं, जो इतना त्याग, जितनी उदारता और जितना स्नेह महाराज जी के द्वारा प्राप्त होता था समाज को, वही उदारता, वही स्नेह, वही प्यार आज सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज जी ने कितना बड़ा कार्य किया, अभी हमारे पूर्व वक्ता महाराज जी बता रहे थे कि कई कई ने दीपक जलाया, कलंक लिया, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिला, बोले गांव गांव ऐसे होली आनंद और देश भाग कुल कह रो चंदू। तो भले किसी ने कुछ किया हो, लेकिन उसके जीवन का आनंद तो हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज महाराज जी की कृपा से पूरे बांदा जिला के मैं गाड़ी चल के हमारे पास डॉक्टर जैन साहब से मेरा कृपा संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन एक बार बैठे बैठे बातचीत चल रही थी तो बताया कि ये गांव गांव में और उठा ले चलता है, गांव गांव में गाड़ी जाती है, गरीबों को, निसहाय को, दीन दुखियों को औषधि दी जाती है। बताइए इतना बड़ा त्याग और तपस्या श्री पूज्य सतगुरुदेव की कृपा से आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, जय श्री राम, जय श्री राम। कावेरी श्री महंत पूज्य श्री मदन गोपाल दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि पूज्य सतगुरुदेव भगवान का जो महिला सशक्तिकरण का एक सेवा अनुभव था, निवेदन करेंगे इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करें श्री मदन गोपाल दास जी महाराज। सीता नाम समारंभम रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेत्से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। आज इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके, पूज्य संत चरणों में बैठ करके अत्यधिक आनंद अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह ऊर्जावान ट्रस्ट जो कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संचालित है, जो मुझे विषय दिया गया महिला सशक्तिकरण का, ये वर्तमान में महिला सशक्तिकरण में सद्गुरु सेवा संघ परिवार की ओर से जो प्रकल्प चलाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, वो अत्यधिक ही ऊर्जावान है, क्योंकि अनंत काल आदि काल की परंपरा में हमारी माता अनसुईया जी ने जो हमको ऊर्जा दी है, महिलाओं की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माता अनसुईया जी ने, जो माँ मंदाकिनी जी हमको दी हैं, यह अत्यधिक ऊर्जावान है, क्योंकि यह उनकी परम तपस्या है। वह तपस्विनी थी, उनकी तपस्या के सतत्व के बल से यह माँ मंदाकिनी का उद्गम, उसका प्रभाव, जिसमें आज हम स्नान करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं, ऐसी अविरल धारा जो कि प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर आदि जगत जननी माता श्री सीता जी आकर के जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का काम किए, तुलसी तरोवर विभिन्न सुहाए, कहूँ कहूँ सीय कहूँ लखन लगाए, माता जी ने इस चित्रकूट धाम को संरक्षित किया। अपने हाथों से जो भी वृक्षों का हम दर्शन करते हैं कामतगिरी में मंदाकिनी जी के किनारे, वो हमारी माता जी ने वृक्ष लगाए, प्रभु श्री सीताराम जी ने, दोनों लोगों ने इस चित्रकूट धाम को संरक्षित किया। और अंत में अपनी सती अनसुईया जी के चरणों में जाकर के उनसे एक मंत्र लेती हैं, क्योंकि अनसुईया के पद कहे सीता मिली बहुर सुशील विनीता, हम मानस में पढ़ते हैं कि यह महिला सशक्तिकरण और हमारी माता सती अनसुईया का ही तपस्या है, जो आज हम उसमें स्नान करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं, वही सेवा का प्रकल्प इस सद्गुरु सेवा संघ में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और संतों का आशीर्वाद उस ट्रस्ट के ऊपर हमेशा इसी तरह बना रहता है, तो आगे भी बना रहेगा, ये इतनी ही वाणी को कहकर के मैं अपनी आशीर्वाद लेता हूँ। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीता।
निवेदन करेंगे पूज्य श्री प्रभंजनानंद जी महाराज से कि पधारे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो ये सेवा प्रकल्प किया जा रहा है अद्भुत है, इसकी चर्चा जितनी शब्दों में की जाए शायद कम होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव करता हूँ। ऐसे समय में श्री ठाकुर जी ने कथा का आयोजन श्री चित्रकूट धाम में करवाया, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितने संतों का दर्शन एक साथ होगा। मैं आशीर्वाद चाहूंगा समस्त संतों से। संत की महिमा, गुरु की महिमा जब बड़े बड़े विज्ञ नहीं कह पाए तो मैं अबोध किन शब्दों में उनकी महिमा का वर्णन करूं। भरत लाल जी महाराज भी संत हैं, इनकी महिमा जब कोई नहीं कह पाए, राजा जनक के जैसा विज्ञ ज्ञानी जब उन्होंने अपनी सुनैना से कहा, रानी सुनैना से कहते हैं कि भरत महामहिमा सुन रानी जान ही राम, राम जानते हैं। सुनैना जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि दामाद जानता है तो चलो मुझे बता देगा, लेकिन अगली पंक्ति जो जनक जी ने कहा कि जाने ही राम लेकिन न सके ही बखान। जब राम जी स्वयं संत की महिमा नहीं कह सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं संतों की महिमा, सदगुरुओं की महिमा। लेकिन मैं निवेदन इतना ही करना चाहूंगा महर्षि, आज समाज को संतों से बड़ी अपेक्षा है। आप कल्पना करें उस भूतकाल की कि संतों ने क्या किया होगा, संतों ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिनकी वजह से इस समाज ने उन्हें इतने ऊंचे स्थान पर पधराया। हम पूज्य श्री महाराज जी रणछोड़दास जी महाराज की विशिष्ट चर्चाओं को कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा आज बैठकर की क्यों कर रहे हैं? क्षमा करना महाराज जी, अगर महाराज जी ने भी भजन किया होता और सिर्फ गुफा में पड़े रहते तो ये सेवा का प्रकल्प कभी तैयार नहीं होता। ये सेवा का प्रकल्प तैयार हुआ भजन के साथ साथ समाज सेवा की भावना उनके अंदर थी, गरीबों की सहायता की भावना थी, सबको समाज में सहयोग करने की भावना थी, तभी हम आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। संत समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, संत समाज को जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे वो समाज उस दिशा में चलता रहेगा। तो आप सब समाज को सही दिशा देने का कार्य करें, जहां समाज में कहीं बुराइयां दिख रही हैं उसको सुधारने की चेष्टा करें, इससे समाज सुधर जाएगा और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, संत समाज हो चाहे गृहस्थ समाज हो, कोई भी समाज हो, उन्हें स्वच्छ वातावरण जब प्राप्त होगा सेवा के माध्यम से, तो मुझे लगता है ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा होगी, ठाकुर जी की सबसे बड़ी पूजा होगी। उस पूजा को, उस सेवा को स्वामी श्री रणछोड़दास जी महाराज सतगुरुदेव जी महाराज ने किया है और आज हम उनके उन्हीं गुणों की चर्चा कर रहे हैं। मेरी कामना, मेरी सोच कि ये ट्रस्ट जितना कार्य कर रहा है उससे कहीं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करे। उनके गुणों की मैं चर्चा करूंगा तो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा। श्री सरकारी महाराज जी के शिक्षकों में महाराज जी माइक में आए।